हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है RRL एजुकेशन जर्नल। यहाँ दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और बड़े ही आसानी से हम इसे समझ लेंगे ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कभी भी गलत ना हो। यहाँ बच्चों हम लोग सीखेंगे तीन टाइप आज केवल। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल हमारा टाइप वन है, टाइप टू है और टाइप थर्ड है। यहाँ पे टाइप वन और टाइप टू की अगर हम बात करें पहले, तो टाइप वन में क्या होता है, एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से सामने वाले बेस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। टाइप सेकंड में क्या है, सेम यही रहेगा, बस केवल हम बेस के पैरेलल और लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। टाइप थर्ड में क्या होता है, एक बेस लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल होता है, बेस लाइन के नीचे ट्रायंगल होता है। और टाइप थर्ड में दो पार्ट है, बेस लाइन के ऊपर के ट्रायंगल और नीचे के ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है, जब वहां से बेस पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइनें जुड़ती हैं और नहीं जुड़ती हैं, तो इसे हम खैर बाद में सीखेंगे। पहले हम आते हैं टाइप वन पर। टाइप वन में काउंटिंग के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है बच्चों, केवल हमें वन टू जैसा आप यहां देख रहे हैं, अगर केवल एक सिंगल ट्रायंगल है, कितने यहाँ ट्रायंगल है, ये बेहद आसान क्वेश्चन, वैसे आपका ये एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ तो केवल एक ही ट्रायंगल है, लेकिन अगर हम वर्टेक्स से बेस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होंगे ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वन और टू लिखेंगे इस तरह से और एड कर देंगे, दैट इज माई आंसर, योर आंसर। यहाँ पर वर्टेक्स से हम बेस पर लाइन ड्रॉ करेंगे टू लाइन्स, ये हो गया वन और ये हो गया टू, लाइन ड्रॉ किया है मैंने। अभी जो अंदर ये खाने बन रहे हैं उसे अब लिखेंगे वन टू थ्री। इन्हें लिखने के बाद हम इसे ऐड कर देंगे, दैट इज योर आंसर सिक्स। यहां पे बच्चों हमने क्या किया है, वर्टेक्स से नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज कर दिया है, वन टू थ्री। हालांकि लाइनें इधर भी हैं, लेकिन ये तो आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे हमें काउंट करने के लिए जो ये बॉक्स बने हुए हैं ट्रायंगल के शेप में लिखेंगे, पर नंबरिंग करेंगे उसका वन टू थ्री फोर, और वन टू थ्री फोर लिखने के बाद यहाँ पर हम उसे ऐड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा टेन। बड़े ही आसानी से आपने इसे समझ लिया है, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। काउंट करेंगे केवल जो हमारे यहाँ पे बने हुए ट्रायंगल्स, वन टू, आप सोचते हो कैसे ये बढ़ गया, देख लीजिए, ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया सेकेंड ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल जो बड़ा वाला है वो है। दोस्तों हमें यहाँ थोड़े से ट्रिक चाहिए, क्योंकि यदि हम सॉल्व करने जाएंगे उसे डिटेल में तो एग्जाम में मात्र 20 या 25 सेकेंड होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो हमें वहां समय नहीं बिताना है, इसलिए आप इस ट्रिक से करेंगे। यहाँ आते हैं, सेम आपका यही है क्वेश्चन, टाइप सेकेंड को आप टाइप वन ही मानिए। क्या बदलाव यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पे केवल बेस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वन और टू, यहाँ आपका ये वन है, यहाँ टू है, अगर आप सोचते हैं थ्री है तो ये आंसर आपका गलत है। एडिंग करने वाला काम हम जब इस तरह से लाइन ड्रॉ किए रहे तब करते हैं, यहाँ पर केवल हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल वन टू, दैट इज योर आंसर। यदि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने के बाद वन टू थ्री फोर इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं बेस के पैरेलल आधार के समानांतर, तो वन टू थ्री फोर फाइव हमारा आंसर हो गया। ऐसा ना हो कि आप उसे ऐड कर दें, आप उसे ऐड नहीं करेंगे, इसे आप थोड़े मिटा देते हैं, क्योंकि मिटाएंगे नहीं तो आपको समझाएंगे कैसे। यहाँ बच्चों देखिए, अब यहाँ हम चलेंगे कैसे काउंट करना है, थोड़ी देर के लिए हम इसे भूल जाते हैं, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, सॉरी, यहाँ देखिए वन टू ऐड करेंगे ऊपर की तरह, अगर केवल एक लाइन बेस के पैरेलल है तो दूना कर देंगे इसका, यदि यहाँ पे दो लाइन पैरेलल में खींचे हैं तो हम यहाँ पे तीन गुना कर देंगे, अगर एक लाइन है तो दो, अगर दो लाइन ड्रॉ किया गया है तो तीन लिखेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपसे हम पूछते हैं कि इसमें बताइए कितने आपके ट्राइंगल्स हैं, ध्यान दिखेगा यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स से बेस पर एक लाइन ड्रा हुआ है, तो
तो एक और दो ऊपर की तरह, जैसे आपका ये था तो क्या आएगा, वन प्लस टू थ्री आपका हो गया। अब यहाँ कितने लाइन बेस के पैरेलल है, इसे हम छोड़ देंगे, वन टू थ्री फोर, अगर हमारी काउंटिंग में फोर आ रहा है तो एक बढ़ा देंगे उसको, हम कर देंगे फाइव, यानी थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन। ट्राइंगल्स यहाँ पे आपके हैं, याद रखिएगा बेस को छोड़ करके जो हमारे लाइन ड्रॉ किए गए हैं उन्हें हम काउंट कर लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा ये आंसर आया हुआ है थ्री उसमें। अब आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं टाइप थर्ड पर, जो कि हमारा है बेहद आसान। टाइप वन आपका बिल्कुल इसकी तरह मैच कर रहा है। अगर आप इसको बांट देते हैं दो भागों में बच्चों, ये देखिए आप जरा हम इसमें दिखाते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल आपका टाइप वन में जो हमारा एग्जाम्पल था ये उसकी तरह हो गया है। अगर हम इस पार उठा देते हैं तो आप देखेंगे इसी जस्ट उल्टा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका टेन था तो ऊपर वाले के लिए टेन, यहाँ वाले के लिए टेन, आपका आएगा ट्वेंटी। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसे वेट करेंगे, यहाँ आते देखते हैं बच्चों। आप देखें यहाँ पर यदि हम इस पेपर से जो कि हमने लिया हुआ है, अगर आप इसको इस तरह ढक देते हैं तो आप देखें जो ऊपर हमारा ट्राइंगल बना हुआ है वो बिल्कुल इसकी तरह है। टाइप वन में वन टू थ्री थर्ड एग्जाम्पल, अगर हम इस पेपर से ढक देते हैं इस पार्ट को तो जस्ट मानो कि हमने इसे उलट दिया है, तो जैसे इसका आंसर टेन आया है तो यहाँ पर टेन आएगा, वन टू थ्री फोर टेन आपका आएगा, इधर वाले के लिए भी टेन आएगा, माफ कीजिएगा ये फोर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए टेन और टेन आंसर में लिख दिया ट्वेंटी, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है ट्वेंटी आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ यही बात आपको समझानी थी हमें, जब लाइनें जुड़ रही हो, जब लाइनें जुड़ रही होती हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो आता है थोड़ी सी बढ़ करके। कैसे, देखिए आपका ये जो एग्जाम्पल है दोनों में, यहाँ देखिए लाइनें नहीं जुड़ रही हैं, हमारा आंसर जस्ट इसकी तरह आ गया है ट्वेंटी, लेकिन जब लाइनें जुड़ रही होती हैं बच्चों तो ऐसे में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें वर्टेक्स से जो लाइन बीच में गया है उसे देखिए और एक लाइन देखिए आपका ये आया हुआ है, ये आपका एक ट्राइंगल है, एक और देखिए ट्राइंगल यहाँ पर, ये आपका हो गया बेस लाइन और देखिए ये ट्राइंगल, यानी दो इधर हो गए और ठीक वैसे दो आपके उधर बन गए हैं। इसी तरह देखिए टेन और टेन ये हो गया, अब इस मेन लाइन के इधर जो ट्राइंगल और उधर जो ट्राइंगल, कटिंग पर आपका आंसर है। तो जब लाइनें जुड़ रही होती हैं दोस्तों तो ऐसे में जो हमारा आंसर आएगा वो टाइप फर्स्ट की तरफ बिल्कुल आप निकालने के बाद आप उसमें चेक कर लेंगे कितने ट्राइंगल बेस लाइन के इधर और उधर बन रहे हैं, उसके बाद अपनी गणना में आप उसको भी शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर लाइनें नहीं जुड़ रही हैं तो बिल्कुल टाइप वन के थर्ड एग्जाम्पल की तरह आप दोनों को काउंट कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें आज आई होंगी समझ में। इसके आगे के टॉपिक के लिए हम आगे बनाएंगे वीडियो। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों के बीच, क्योंकि आपके इस कार्यों से हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है और हम लोग आगे वीडियो बनाने के लिए होते हैं इंस्पायर्ड। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।